मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 10th के पॉलिनोमियल के लेक्चर 3 के साथ हूँ। और आज हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और कम से कम ये बेटा 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी डिवीज़न एल्गोरिथम की, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, बट ये थोड़े से उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अगर आपको आ गए तो मान के चलिए, अगर ये बोर्ड में आते हैं तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है इफ़ 1 एंड -2 आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 7x+10 फाइंड इट्स थर्ड जीरो। मतलब कि बेटा हमने आपसे बोला था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही हमारे उस वेरिएबल के वैल्यू आएंगी। मतलब अगर मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, और जो वेरिएबल आ रहा है वो है x, मीन्स जो हमारी x की वैल्यूजेज आएंगी इसको सॉल्व करने पर वो आएंगी बेटा 3 वैल्यूजेज। ठीक, तो जिसमें से हमको 2 वैल्यूजेज, जो वैल्यूजेज होती हैं उन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं। तो हमको 2 जीरोज जो दे रखे हैं वो 1 और -2 दे रखे हैं। ठीक, हमको थर्ड जीरो निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको जो पॉलिनोमियल दे रखा है, लिखेंगे पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 7x+10 हैज 2 जीरोज, हैज 2 जीरोज, 1 एंड -2। तो ये हमारे पास 2 जीरोज हैं। ठीक, हम मान लेते हैं बेटा कि जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है x³ - 4x² - 7x+10, उसको हम मान लेते हैं एफ एक्स। ठीक, मान लिया हमने एफ एक्स, कोई दिक्कत। ठीक, अब देखिए, अब जो हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जी एक्स, वो हम जीरोस के थ्रू बनाने जा रहे हैं। कैसे, समझिए। अगर हमसे बोला है कि इसके 2 जीरोस हैं, मतलब कि x=1 और x=-2। ठीक, तो अगर हम 1 को बेटा x की तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा बेटा x-1। तो हम जी एक्स एक फंक्शन बना रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि इनके जीरोस के थ्रू बनेगा। तो ये x=1 आया था, जिसको हमने लिखा x-1। ठीक, 1 को इधर ले आए तो x-1 हो गया। सेम बेटा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x+2। तो इन दोनों ही जीरोस के थ्रू जो हमारी वैल्यू आएगी उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा बेटा हमारा x²+2x-x-2, और इसको सिंपलीफाई किया तो हो गया x²+x-2। कोई दिक्कत। तो बेटा आप खुद सोचिए कि अगर हमने आपसे कहा कि ये कोई पॉलिनोमियल है और इसके ये 2 जीरोज़ हैं, मतलब कि बेटा जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो वो एग्जाम मतलब 0 दे देगा। मतलब जब हम यहाँ पे 1 को लाके पुट करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो x-1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मेरे 9th क्लास के लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे -2 एक जीरो दे रखा है, मतलब कि x=-2। अगर हम इसको इधर ले आए तो x+2 बना। तो अगर हम x+2 से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा। या अगर हम x की जगह पे -2 रख देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो वो पूरा 0 कर देगा। 0 मतलब होता है वहाँ पे कि पूरी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x+2 से। तो हमने क्या किया, एक जी एक्स फंक्शन बना लिया। तो ये हमारा बन गया जी एक्स फंक्शन। अब हम थर्ड जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कि हम क्या करेंगे, फॉर
थर्ड जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को जी एक्स से बेटा डिवाइड कर देंगे। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग पॉलिनोमियल ऐसे नहीं डिवाइड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स से डिवाइड हो रहा है बेटा हमारा जी एक्स से, तो हम एफ एक्स को यहाँ पे रखेंगे जो कि है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, और जी एक्स है हमारा बेटा x² प्लस एक्स माइनस 2। ठीक, तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमने बता रखा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम डिग्री वाले वेरिएबल को आगे लिखते हैं, तो दोनों में ही हम लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं कि मैक्सिमम डिग्री वाला वेरिएबल हमारा आगे है। तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे x² है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 पावर का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम अगर एक्स की पावर 1 करके मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे में जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर में, तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 2x, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बेटा प्लस, तो ये प्लस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही माइनस के, 5x² हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये माइनस का 5x प्लस का 10। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री है वो x² मतलब स्क्वायर है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, दोनों ही सेम डिग्री हैं। अंतर कितने का है कि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे केवल 1 है, तो हमको -5 के लिए हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई। तो अब x को भूल जाइए, केवल इस पूरी वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी -5x² -5x+10, तो ये हो गया प्लस प्लस ये माइनस, तो बेटा ये हमारा पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी, तो आ गया रिमाइंडर हमारा 0। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x-5, वो हमने बोला था ना फॉर थर्ड जीरो। ठीक, थर्ड जीरो के लिए हमने ये काम किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेटा पुट कर दें अगर x-5 को 0 के बराबर, तो यहाँ से जो हमारा थर्ड जीरो है वो आ गया बेटा x=5, मतलब जो हमारा थर्ड जीरो है वो है x=5। ठीक, कोई दिक्कत, तो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ -11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7, इट बीइंग गिवन दैट टू इफ इट्स जीरोज आर 3+√2 एंड 3-√2। कह रहा है कि हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि 2x⁴ -11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7 है, जिसके दो जीरोज गिवन है और एक जीरोज है जिसमें से 3+√2 और दूसरा है 3-√2। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं इसके बचे हुए जीरोज। तो बेटा जब दो जीरोज ये हो गए हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो मीन्स 4 जीरोज टोटल निकलेंगे, 2 निकल चुके हैं, 2 हमारे बचे हुए हैं। तो हम क्या, फिर से यही रूल जो अभी हमने किया वही हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल 2x⁴ -11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7 हैज 2 जीरोज 3+√2 एंड 3-√2। ठीक, हमारे पास ये दो जीरोस हो गए, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि हमारे पास एक एक्स की जो वैल्यू है वो है 3+√2, और सेकेंड एक्स की जो हम मान लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा है जैसे मानते हैं वैसे ही, ये हो गई 3-√2। ठीक, तो यहाँ पे हमने माना कि जो हमारा एफ एक्स है बेटा वो हो गया है 2x⁴ -11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7। ठीक, और जो हम यहाँ पे बेटा जी एक्स मानेंगे वो क्या हो जाएगा, जब हम 3+√2 को जब हम एक्स की तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस
माइनस रूट टू, इसको हमने पूरा एक ब्रैकेट में किया, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस रूट टू। ठीक, अगर आप बेटा यहाँ पे देखो तो ये पूरा एक, ये भी पूरा सेम है। यहाँ पे अगर आप देखो इसको ए मान लो, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया सेम वही एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे भी एक्स, ये भी ए प्लस बी। अगर हम देख रहे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो जब बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स माइनस टू। तो जब हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। ठीक, ये हो गई हमारी बेटा जी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब हमको निकालने हैं इसके थर्ड और फोर्थ जीरो, तो हम लिखेंगे फॉर रिमेनिंग टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे एफ एक्स को डिवाइड करेंगे बेटा जी एक्स से, तो हमारा जो एफ एक्स है वो है बेटा यहाँ पे 2x की पावर 4 माइनस 11x³ प्लस 7x² प्लस 17x-13 ये बेटा 17 नहीं 13 है। ठीक, यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है वो है x² -6x+7। ठीक, तो अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैक्सिमम डिग्री। तो यहाँ पे है पावर 4, यहाँ पे पावर 2, तो यहाँ पे हमको x² से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 4 के लिए, और कोफिशियंट देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, मतलब 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस पूरे को अगर हम 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 14x² ये हो गया बेटा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बेटा यहाँ से 2x की पावर 4 हमारी कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पे हमारा 11x³ प्लस 12x³ में से बेटा केवल बचा x³, और यहाँ पे हमारे पास बचा -7x² प्लस 13x-7। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री x³ है और यहाँ पे x² मतलब एक x की कमी है, तो हमने x की पावर 1 करके लिखा। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो +1 से भी साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्लस का साइन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अब पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x³ -6x² ठीक, साथ में ये आ गया हमारा बेटा प्लस का 7x, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, और बेटा यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट, ये हमारा बचा -x², और ये बचा हमारे पास बेटा प्लस का 6x, और ये बचा -7। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आया है -x² और यहाँ पे प्लस का x² है, तो कमी है केवल एक माइनस साइन की, तो वो हो जाएगा -1। तो जब हम इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x² प्लस 6x-7, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा बेटा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। तो जो हमारे पास कोशियंट आया है अब हम उसको पुट कर देंगे 0 के बराबर, तो हम करेंगे पुट 2x² प्लस x-1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जब हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि x² वाले कोफिशियंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो आया बेटा -2, तो माइनस को छोड़ के केवल हम 2 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 और 1। तो हम इस दो नंबरों से यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनाएंगे कि उसको या तो प्लस या माइनस करने पे हमको एक्स मतलब 1x मिल जाए,
और मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू। तो बेटा वो तभी हो सकता है जब हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2 × 1 किया बेटा तो हमको मिला माइनस टू, या यहाँ पे करा तो हमको प्लस का x। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टू में से बेटा 2x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचा यहाँ पे x प्लस वन। यहाँ से माइनस वन कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा x प्लस वन इज इक्वल टू 0। और जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x प्लस वन पूरे में से कॉमन आया, सेकेंड ब्रैकेट में बचा 2x माइनस वन। अगर हम बेटा x प्लस वन को 0 के बराबर रख दें तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन, और अगर हम 2x माइनस वन को 0 के बराबर रख दें तो हमको मिल जाएगी x बराबर 1/2। तो जो हमारे दोनों जीरोज आएंगे वो आ जाएगा x बराबर माइनस वन और x बराबर 1/2। ठीक, अगर कोई डाउट हो बेटा तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे से क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे आप लोग आकर के वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5 एंड -√5। कह रहा है कि पॉलिनोमियल जो है हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 हैज टू जीरोज, मतलब कि दैट इज, या तो आप तो टू जीरोज हमको दे रखे हैं √5 एंड -√5, मतलब कि एक्स बराबर √5 और एक्स बराबर -√5। तो बेटा अगर हमारा एफ एक्स जो है, एफ एक्स मान सकते हो, पी एक्स मान सकते हो, इसको जी एक्स मान लोगे तो बेटा दूसरे वाले को क्यू एक्स मान लेना, एफ एक्स मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मानना चाहो आप वो मान सकते हो, बट कैसे क्या डिवाइड करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एफ एक्स हमारा हो गया बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। ठीक, और जी एक्स हो जाएगा बेटा हमारा, जब देखिए ये √5 आएगा एक्स की तरफ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √5, और जब ये वाला √5 माइनस √5 एक्स की तरफ आएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस √5। तो जब अब बेटा देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, हमारा ये जी एक्स हो गया। तो हम करेंगे फॉर अदर टू जीरो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एफ एक्स को हम डिवाइड कर देंगे बेटा जी एक्स से। ठीक, तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। हमने एफ एक्स हमारा दे रखा है बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15, और जो हमारा जी एक्स आया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 4 है और यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 है तो हमको 4 डिग्री बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोफिशियंट इसका भी 1 है और इसका भी, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 5x². ठीक, तो देखिए बेटा यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, ये आ गया 4x³ और ये हो गया बेटा हमारा प्लस 3x² माइनस 20x माइनस 15। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो है क्यू, यहाँ पे स्क्वायर तो कमी है केवल एक पावर की एक्स पे, तो हमने लिखा एक्स, यहाँ पे हमको चाहिए 4 और यहाँ पे है प्लस 1, यहाँ पे प्लस 4, मतलब हमको प्लस 4 से और चाहिए होगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4x से हमने जब मल्टीप्लाई किया किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, तो हमको मिलेगा
फोर एक्स क्यूब माइनस 20x, ठीक। तो ये माइनस ये प्लस बेटा, तो ये हमारा हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर, ये भी हमारा कैंसिल आउट, ये बचा हमारा -15। अब देखिए यहाँ पे है 3x स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर में अगर हम केवल +3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और -3 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो -15, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, मीन्स कुल मिला के रिमाइंडर आया हमारा 0। तो अब हम अपने कोशेंट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0 के बराबर। तो हमने किया पुट x² + 4x + 3 = 0। जैसे ही हमने इसको 0 के बराबर किया तो अब हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे x² + x + 3x + 3 किया तो देखिए बेटा, हमने 4x को ऐसे तोड़ा कि x + 3x में, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल रहा है 3, ठीक, और प्लस माइनस करने पे 4, मतलब प्लस करने पे 4। तो पहले दो में से अगर हमने कॉमन लिया तो x आया, तो बचा x+1। सेकेंड जो टू हैं उनमें से अगर कॉमन लिया तो 3 कॉमन आया, तो बचा x+1 = 0। तो ओवरऑल x+1 हमारा आ गया कॉमन, और इधर बच गया x+3 = 0। तो जब ऐसा हुआ बेटा, तो देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 बता रहा है, तो इसका मतलब हुआ या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। तो अगर हमने x+1 को 0 के बराबर रखा तो हमको x की वैल्यू मिल गई -1, और अगर हमने x+3 को 0 के बराबर रखा तो हमको मिल गई x की वैल्यू -3। तो ये दोनों ही हमारे बचे हुए 0s हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे। अब जो हमारे एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ, उनको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हमारे पास नया चैप्टर होगा, हमारा पॉलीनोमियल भी ख़त्म हो गया है, ठीक। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ़ 1 0s ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल kx² + 3x + k H2, देन द वैल्यू ऑफ के। बेटा ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में या एक नंबर के क्वेश्चन में इजीली आ सकता है। कह रहा है कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, जो कि मान लिया हमने कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स हमारा, जो कि kx² + 3x + k है, ठीक। उसका एक 0 जो है, इट्स 1 0 इज 2, मतलब कि बेटा x2 x = 2। तो हमसे कह रहा है फाइंड करो k की वैल्यू। अब आप खुद सोचो कि अगर हमारा ये वैल्यू, ये जो x = 2 है इसका 0 है, मतलब कि अगर हम x एफ एक्स में x की जगह पे अगर हम 2 डालते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, जो कि हम लोग क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम पे जो मेरी वीडियो है क्लास 9 की, वो कल आ जाएगी। तो आप नहीं, अगर समझ में आएगा तो इस चीज़ को वहाँ पे भी आप जाके क्लास 9 के लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो अगर हम क्या करें बेटा, F2 पे रखें, अगर भाई ये इसका 0 है, मतलब कि जब हम 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, तो हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4k + 6 + k = 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई 5k = -6। तो हमारी k की जो वैल्यू आ गई बेटा, वो आ गई -6/5, ठीक। कोई दिक्कत, ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आएंगे, आप जहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कंपटीशन में भी, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो जीरोज आर 3/5 एंड -1/2। हमसे कह रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज दे रखे हैं। मींस हमने बोला था कि दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक में। तो मान लिया कि अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 3/5, और बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो -1/2 दे रखी है, ठीक। तो हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा हुआ है, तो लिखते हैं सिंस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² - ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो हम वैल्यू यहाँ पे केवल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आ गया 3/5 माइनस 1/2 एक्स प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2। तो जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आ गया एलसीएम में 10, तो ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया आपका 2 बार में जाएगा तो ये हो गया 6 माइनस 5 टाइम्स में 5 एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3/10। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे बेटा तो ये एलसीएम लेने पे हो जाएगा 10x² माइनस एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर के 10 को हम गायब कर देंगे क्योंकि अगर ये इक्वेशन होती तो इक्वल टू हम उस उधर 0 होता तो हम ले जाके उसको मल्टीप्लाई करते तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा ये। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ठीक। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। आज के लिए इतना ही।